एंटर इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, एक्सिस के बारे में जैसे कल डिस्कस किया था, ये दोनों चार्ज है डाइपोल के, इन दोनों को जो जोड़ने वाली लाइन है इसको आगे बढ़ा दे, इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ आगे बढ़ा दे तो जो लाइन बनेगी वो एक्सिस कहलाती है। अब इक्वेटर क्या है, इक्वेटर क्या है कि जो ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी वो इक्वेटर है। तो यहां पर ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी लाइन बन रही है, इस लाइन पर यहां कोई पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ए है। इस पॉइंट पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा ये ई प्लस क्यू, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस प्लस क्यू से दूर, दूर की तरफ, प्लस क्यू से दूर होगा। और ये जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई माइनस क्यू होगा। और ये ई माइनस क्यू जो फील्ड है वो क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज है इसलिए माइनस क्यू की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। इस तरह इस ए पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के दो फील्ड हुए, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। अब यहां पर देखें कि ये जो इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से इसकी पॉइंट की डिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर से ये डिस्टेंस है, ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं कि ये तो दोनों चार्जेस है डाइपोल के, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, ये 2a डिस्टेंस है, तो यहां तक की डिस्टेंस a होगी। ये आपका ट्राइंगल हो रहा है, या इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्राइंगल में ये जो x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, ये इस x डिस्टेंस किसकी होगी, x डिस्टेंस होगी x स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये होगा। तो x की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये x की वैल्यू होगी। और x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, और ये सेम डिस्टेंस है यहां से यहां x डिस्टेंस है, ये भी x है ये भी x है। तो ये जो e प्लस q की वैल्यू क्या होगी, e प्लस q होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है x, x की वैल्यू कितनी है, ये x की वैल्यू है, तो के क्यू अपॉन x स्क्वायर, और x की वैल्यू है r स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, तो के क्यू अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारे पास है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस टू चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस टू चार्ज ई माइनस टू वो भी इतना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना ये भी एक्स है, एक्स डिस्टेंस है, ई माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है डिस्टेंस जो है वो होने के कारण फील्ड भी वही रहेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, इस मैग्नीट्यूड को मान लेते हैं ये मैग्नीट्यूड ई क्यू है, ये मैग्नीट्यूड का मान लेते हैं ई क्यू है, ठीक है। अब एक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दूसरा फील्ड है इस डायरेक्शन, दो वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो तो इस तरह होगा, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर इस तरह ऐसे होगा, यही हो सकते हैं, एक फोर्स है दूसरा फोर्स है, तो इस रिजल्टेंट फोर्स है वो ऐसे होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू ई प्लस क्यू इस तरफ है, ई माइनस क्यू इस तरफ है, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब कैसे होगा हम निकालते हैं कि ये जो ई प्लस क्यू है ना, इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, दो कंपोनेंट्स मतलब ये कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं ना, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ए कोई वेक्टर है तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं, ए एक्स और ए वाई, ठीक है। और ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये ट्राइंगल बनेगा, इसमें ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा होगा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा होगा। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई एक अगर वेक्टर है, उस वेक्टर का
कंपोनेंट्स वगैरह में ऑब्जर्व करते हैं तो ये EQ वेक्टर है, E प्लस Q वेक्टर है, इसको हम रिजोल्व कर रहे हैं दो पार्ट में, तो ये तो हो जाएगा EQ साइन थीटा और ये हो जाएगा EQ cos थीटा। इसी तरह से E माइनस Q वाला जो वेक्टर है इसको भी हम रिजोल्व करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा, जो कंपोनेंट आएगा वो होगा EQ साइन थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को होगा वो होगा EQ cos थीटा। तो इस तरह से हम देखें ये EQ cos थीटा इस डायरेक्शन में है और ये EQ cos थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के हैं, एक इस तरफ है एक दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ये दोनों इक्वल है, रेशियो दोनों का इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है। दीज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल्स ईच अदर, कैंसिल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया तो बचेगा इस डायरेक्शन में, बचा तो इस डायरेक्शन में EQ cos थीटा इसका पहला कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट EQ cos थीटा, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू E इक्वल टू EQ cos थीटा प्लस EQ cos थीटा, दोनों जुड़ेंगे ना, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो E इक्वल टू EQ cos थीटा प्लस EQ cos थीटा, ये जोड़ देंगे मतलब Q टू EQ cos थीटा, क्या हो जाएगा टू EQ cos थीटा ही हो जाएगा। EQ की वैल्यू आपके पास नहीं है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू EQ क्या आ जाएगी, टू आपके पास यहाँ पर पहले से है, अब cos थीटा की बात करें, ये इसी ट्राइंगल में वापस है, इस ट्राइंगल में cos थीटा कितना होगा, cos थीटा होगा ये अपॉन ये, मतलब a अपॉन x होगा, cos थीटा जो है अपॉन x, एंड देन e इक्वल टू टू के क्यू, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू देखिए x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास e आएगा e इक्वल टू टू के क्यू अपॉन ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ही है, इस x की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख देंगे, तो आपके पास ये तो e आएगा, e इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ पर 2 है q है तो q इंटू टू है ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर q इंटू टू है इस तरह से, और k इसके आगे लिखेंगे तो k q इंटू टू है ऐसे लिखेंगे अपॉन ये क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है, तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू x x टू द पावर हाफ ये होता है, तो x की पावर हाफ है, दिया पावर कितनी है हाफ है, तो 1 पावर और हाफ पावर 1 प्लस हाफ 3 बाई 2, 1 प्लस हाफ 3 बाई 2, तो ये पावर हो जाएगी के क्यू अपॉन 2 है अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पावर 3 बाई 2। अब हम यहां अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, इफ या सिंस, सिंस R is much greater than a, मतलब ये जो डिस्टेंस दे रहे हैं ना R, ये जो डिस्टेंस a है यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम है, तब R स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो a स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगी, मतलब R स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगी, तो देन a स्क्वायर मे बी और शुड बी टेकन या कैन बी टेकन एज नेग्लिजिबल, ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, ए स्क्वायर नेग्लिजिबल, तो ए स्क्वायर के यहां से छोड़ देंगे हटा देंगे, और ये क्यू इंटू टू है इसको पे क्यू इंटू टू ए है इसको पी लिख देंगे, के पी 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 क्या है, पी डाइपोल मोमेंट है, पी इज डाइपोल मोमेंट, क्यू इंटू टू है तो के पी अपॉन आर आर पी, ये आपको होगा वो फॉर्मूला होगा, क्या किसका फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट्स, ये होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं। तो अगर हम इस प्लस चार्ज को एच प्लस मान लें और माइनस चार्ज को ओ माइनस माइनस मान लें और एक एच प्लस और ले लें यहां पर, तो यहां पर दो डाइपोल हैं, एक डाइपोल ये और दूसरा डाइपोल। तो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली जो होता है उसमें कोई डाइपोल नहीं जनरेट होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल जैसे H2O, NH3 ये ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें जो नेचुरल डाइपोल मोमेंट होता है। तो देयर आर वेरियस मॉलिक्यूल्स हु हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया फिर भी इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, ये पोलराइज्ड जो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स या पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ये सिग्निफिकेंस है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर क्या होगा, वो तो हम स्टडी करते हैं कि जो केमिस्ट्री में जो स्टडी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी मॉलिक्यूल को रखते हैं तो उसका बिहेवियर किस प्रकार से होगा, ये जो बात है वो ये डाइपोल को पढ़ने या डाइपोल को समझने के पीछे सिग्निफिकेंस है। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नेक्स्ट टॉपिक, इस नेक्स्ट टॉपिक में टॉपिक पर देखेंगे कि डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो क्या होगा। ये फिगर देखे होंगे, इसमें आप देखो कि एक माइनस टू चार्ज है और इधर के प्लस टू चार्ज है, दोनों पूरे डिस्टेंस पर है, एक डाइपोल। इस डाइपोल को अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मतलब माना कि ये डाइपोल है, आप ये मान लें कि ये जो पेन है ये ले लेते, ये चौक ही ले, ये जो है ये चौक है, इस पे यहां पर माइनस टू चार्ज है या प्लस टू चार्ज है, इस तरह से इसको रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है और इस डाइपोल को हमने ऐसे रख दिया इस तरह से, ये तब क्या होगा, तब इस डाइपोल पर क्या होगा कि इस माइनस टू चार्ज पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा माइनस टू चार्ज, और प्लस टू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हम यू कह सकते हैं इसको कि एफ टू इक्वल टू माइनस क्यू ई और एफ वन इक्वल टू प्लस क्यू ई, ये दो फोर्स लगेंगे। अब यू कह सकते हैं कि अगर हम हमारे पास में कोई जैसे कोई एक चीज है, इस चीज को अगर हम इधर से इस तरफ धक्का दें और इस तरफ से यहां पर इस तरफ से धक्का दें तो क्या होगा, ये मूवमेंट हम नल खोलते हैं ना, तब क्या होगा, एक एक उंगली जो दूसरी उंगली, एक उंगली इसको यू धक्का देती है और दूसरी उंगली जो होती है वो इस तरफ धक्का देती है, तो इस तरफ है यू, इस तरफ से हम फोर्स लगाते हैं तो वही चीज यहां पर होगी। तो ये क्या होगा कि जैसे इसको यू रखा है और अगर ये फोर्स इसको इस तरफ ले जाएगा, ये फोर्स इसको इस तरफ ले जाएगा, ये यू घूमेगा, ये इस तरफ से घूमेगा, मतलब कोई डाइपोल है उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो दो अपोजिट पैरेलल है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है वो फोर्स लगेंगे, जिससे ये डाइपोल जिस पोजिशन में आपने रखा है उससे घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब प्लस टू आ जाएगा इस तरफ और माइनस टू आ जाएगा इस तरफ, ऐसे टेंडेंसी इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में रहती है। तो यहां पर फोर्स देखिए, फोर्स कितना है इस डाइपोल पर, टोटल फोर्स कितना है, इस तरफ फोर्स कितना है प्लस क्यू ई और इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है माइनस क्यू ई, नेट फोर्स कितना है जीरो, जीरो क्यों है, बराबर
इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है तो रिजल्टेंट फोर्स होगा जीरो। तो इस डाइपोल पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो है लेकिन फिर भी घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि इस पर टॉर्क लगता है। द टॉर्क ऑन डाइपोल एग्जिस्ट। तो ये जो टॉर्क होता है वो कितना होता है? तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म का बल। अब आर्म का बल क्या होगी? कि फोर्स का आपका कोई भी एक फोर्स ले लो क्यू, दोनों ही क्यू है, मैग्नीट्यूड ले लो क्यू फोर्स। और आर्म का बल क्या है? आर्म का बल इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। आर्म का बल इज परपेंडिकुलर फोर्स बिटवीन टू फोर्सेस। ये फोर्स आपका एक एफ टू है, दूसरा फोर्स एफ वन है। किसी एक फोर्स से दूसरे फोर्स की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। इस फोर्स ने इस फोर्स की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये परपेंडिकुलर बना आपका एसी। ये जो एसी डिस्टेंस है ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस एसी, फोर्स इनटू डिस्टेंस एसी कितने? एसी में से निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल है। और मान लेते हैं ये जो एंगल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है टू है, इसके बीच में एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा। इस थीटा के सामने वाली जो साइड है वो टू ए साइन थीटा है, टू ए साइन थीटा होगी। क्यों होगी? ये निकालते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होगा, साइन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी साइन थीटा होगा। ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी कितनी है आपकी? टू है, तो ए सी इक्वल टू टू ए साइन थीटा। तो यहां फोर्स आर्म का बल जो है ना, वो आर्म का बल क्या है? एफ इंटू आर्म का बल है आपकी ए सी, एफ इंटू ए सी। तो टो इक्वल टू एफ इंटू टू ए साइन थीटा। और एफ की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू होती है एफ इक्वल टू क्यू ई, तो QE टू है साइन थीटा। अब QE Q इनटू टू है, इसको हम यहां साथ लिख देते हैं, टू इंटू टू है, एक साथ लिख देते हैं ब्रैकेट में, और इनटू E साइन थीटा, ये आपका E साइन थीटा यहां आएगा, E साइन थीटा। अब तो इक्वल टू PE, ये Q इनटू टू है, इसको हम P लिख देते हैं, तो PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। इसको आप देख सकते हैं दो वेक्टर है, एक P वेक्टर है, दूसरा E वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, A क्रॉस B होता है, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा होता है, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। तो PE साइन थीटा इसको हम देख सकते हैं वेक्टर नोटेशन, तो इक्वल टू P क्रॉस E। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो टो है वो क्या होगा? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टो होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि टो इक्वल टू पी क्रॉस ई या पी साइन थीटा है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, मतलब क्या हुआ इसका? थीटा जीरो डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ कि पी और ई इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एंगल है, वो जीरो है। ये पी एक पी है, ये पी की डायरेक्शन है, पी इस P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन के बीच में एंगल है वो जीरो डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऐसा रख दिया इसको, P की डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू जीरो। तब क्या होगा? तब तो इक्वल टू PE साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो होता है इसलिए टोटल जो होगा ये आपका जीरो आ जाएगा। तो इक्वल टू साइन, तो इक्वल टू जीरो होगा। मतलब जब आप ये जो आपका डाइपोल है ना,
इस डाइपोल को ऐसे ही रख के ऐसे रख देंगे तो टॉर्क तो जीरो होगा, लगेगा ही नहीं टॉर्क। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि फोर्स जो है ना इसका क्यूई का भी यही पर है, ऐसे एफ इक्वल टू क्यू इस तरह का है और एफ इक्वल टू क्यू इस तरह का है। ऐसे अगर आप रखें